अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको कुछ जरूरी इंपॉर्टेंट अपडेट बताएंगे जिसके बारे में आप सभी लोगों को जानकारी होना चाहिए, क्योंकि अपडेट सऊदी के राष्ट्रीय मौसम विज्ञान की तरफ से अभी अभी अपडेट किया गया है, जहां पर अपडेट के अनुसार कहा गया है कि सभी लोग अभी अलर्ट रहें और सभी लोगों के लिए वार्निंग भी सऊदी के मौसम विज्ञान की तरफ से जारी किया गया है। इसके बारे में और भी डिटेल जानने के लिए इस वीडियो को आप जरूर पूरा देखिए ताकि मिल जाए। वीडियो में आगे बढ़ते पहले मैं आपको बता दें कि ये अपडेट ही सऊदी की राष्ट्रीय मौसम विज्ञान की तरफ से अपडेट किया गया है और कहा गया है सभी लोगों के लिए, और चेतावनी भी जारी किया गया है, जहां पर अपडेट किया गया है कि सऊदी के रियाद, मक्का, मुकरमा, तबोक, अस्त के क्षेत्रों के कुछ हिस्सों में शुक्रवार को सक्रिय हवा और धूल भरी आंधी चलेगी। मतलब अभी काफ़ी तेज़ी से आंधी और हवा चलने वाली, इसलिए सभी लोग सावधान सतर्क रहें। आगे केंद्र की तरफ से अपडेट किया गया कि रियाद क्षेत्र विशेष रूप से दरिया राजधानी रियाद अल मुजाहिमिया पूरे मिला सक्रिय हवा, यानी यहाँ पर भी धूल भरी आंधी शाम को 8 बजे तक चलने की उम्मीद बताई गई है। कई हिस्सों में ये भी देखने को मिला है कि जो दृश्यता है उसकी सीमा में जो यहाँ पर बदलाव है वो देखने को मिला है, और आगे भी अपडेट किया गया है कि सऊदी के मक्का मुकरमा क्षेत्र में शाम 7 बजे तक यह स्थिर रहेगी। आगे राष्ट्रीय मौसम विज्ञान की तरफ से अपडेट किया गया कि सऊदी के तबूक क्षेत्र में अलबज उमलुब्ज नियोम शर्मा में सक्रिय हवा उठी रहेगी, धूल भरी आंधी और काफ़ी तेज़ी से हवा भी चलने वाली है। सक्रिय हवा जो उठेंगी उसमें धूल भरी आंधी चलेगी, दोपहर 3 बजे तक कोई भी दृश्यता नहीं होगी, लेकिन असीर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में धूल काफ़ी तेज़ी से उड़ने वाली है दोपहर 3 बजे तक। अगर आप सऊदी अरब के अंदर रहते हो तो अभी सावधान सतर्क जरूर रहें।